आदाब दोस्तों, मैं हूं अमे वाजिद, आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में आज हम बात करेंगे बारिश की। यूं तो बारिश को रहमत बारां भी कहा जाता है, ताहम गैर मौसमी बारिश ने हैदराबादियों में खुशी की लहर दौड़ा दी है। अवाम ने गर्मी से राहत महसूस की तो वहीं बच्चों ने जालाबारी के मज़े लेते हुए खूब लुत्फ उठाया। पेश है गैर मौसमी बारिश पर हमारे नुमाइंदे जासिम जाबरी की ये खास रिपोर्ट। महकमे मौसमियात ने चारशुंबे के रोज जुमेरात से 3 दिनों तक तेलंगाना के अलावा महाराष्ट्र में गैर मौसमी बारिश की पेश ख्यासी की थी। पहले मौसम गर्मा उरूज पर है, ऐसे हालात में सूरज रास्त तौर पर जमीन पर शोले उगल रहा था, लेकिन जुमेरात के रोज दोपहर के बाद शहर हैदराबाद में मतला अबर आलूद हो गया। बारिश बादलों से ज़मीन की सतह पर पानी के खतरों का अलहदा अलहदा गिरने के अमल को कहते हैं। शहर में हल्की बारिश के बाद अवाम ने गर्मी से छुटकारा पाया और साथ ही शमसाबाद में हुई जालाबारी के तड़के ने मौसम को हसीन खुशगवार बना दिया। आपके स्क्रीन पर मौजूद ये इलाके चंद्राइनगुट्टा, फलकनुमा, बंडलागुड़ा, छतरी नाका, बालापुर, पहाड़ी शरीफ के हैं, जहाँ पर बारिश जमकर बरसी। कहीं अवाम ने ओलों को पकड़ पकड़ कर खुशी का इजहार किया तो कई इलाकों में पानी जमा होने की शिकायत भी मिली है। हालांकि बारिश के बाद सर्दी बढ़ती है, लेकिन इस बारिश ने गर्मी की लहर में कमी जरूर कर दी है। समंदरी हवाओं ने बुलंदी पर मौजूद बखारात से गहरे बादलों की शक्ल इख्तियार कर ली और फिर पूरे घन गरज के साथ तेज व हल्की बारिशों ने शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों को जल थल कर दिया। शहर में होने वाले तरक्याती काम मुतासिर हुए, बच्चों को भी ओलों से खेलते देखा गया है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि मज़ीद 2 दिन तक बारिश का इम्कान है। ताहम हैदराबाद में न सिर्फ बारिश हुई बल्कि यहाँ होने वाली जालाबारी ने सियासी अफसरदगी, पजमुर्दगी, कुमलाहट, उदासी के बादलों को चंद घंटों के लिए शहरियों के जहन से हटा दिया। बच्चे और बड़े सभी जालाबारी और बारिश का लुत्फ लेते देखे गए।